मॉर्निंग फ्रॉम मनाली। आज डे से के बाद हम लोग निकलेंगे ले के लिए। पहले तो हम लोग कहाँ रुकेंगे आज? जिस्पा में। आज का प्लान है हमारा जिस्पा में रुकने का। यहाँ सब लोग रेडी हो चुके हैं अभी जाने के लिए। वॉइस रेडी? अबे रेडी तो बोल दो। ब्लॉगर्स लाइफ। हम ही ऐसे आए हैं, सब ब्लॉगर ही लोग हैं। तेरे भी लगा डीजे उस मुल्ला बना। रेडी? एकदम रेडी। यो यो। एकदम रेडी। निकलोगे आगे जंप जंप कराए इधर। चलो हरे महादेव। हरे महादेव। अभी ना हमें बाइक यहाँ से नीचे उतारनी है। ये कुछ ज़्यादा ही स्टीव था भाई, कुछ ज़्यादा ही स्टीव था। और यहाँ से बाइक नीचे उतारने का एक अलग ही लेवल का एडवेंचर है। अबे बंद हो गया अबे। तो इसमें आपको करना क्या होता है ना कि या तो फर्स्ट गियर पे डाल दो बाइक को और क्लच पर छोड़ दो, अपने आप गाड़ी नीचे जाते जाएगी इंजन ब्रेकिंग करते हुए, या तो इन भाई साहब के जैसे ओवरटेक करते हुए पैपू पुपू करते हुए एक्सलेट करते हुए सेकंड गियर पे उतार लो बाइक अपनी। पहाड़ों से गाड़ी उतारना एक आर्ट है, इसमें भाई तुम्हारा स्मार्ट है। वाह 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 वाह। अरे अभी एक पेट्रोल लेना है तो आगे लोग दो लोग वेट कर रहे हैं और दो लोग अभी आ रहे हैं, उनका भी वेट कर लेंगे हम लोग। तो चलते हैं आगे, फिर देखते हैं। यहाँ पेट्रोल 99.68 है, देखते हैं कितना आता है अभी पेट्रोल इसमें। बस 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 बस। तो यह है 785 का 7.88 लीटर। हाँ तो लैंग वैली है 3 किलोमीटर, रिटर्न है 14 किलोमीटर रतन पास के लिए। धारचूला है, धारचा है, सरचू है। ये आ गए हम लोग सोलांग वैली में। सोलांग वैली में इतनी भीड़ है भाई साहब, इतनी भीड़ है। अब जहाँ देखो वहाँ गाड़ी गाड़ी दिख रही है। वो पैराग्लाइडिंग यहाँ भी होता है, हमने तो कर ली पैराग्लाइडिंग। तो गाइस फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं अटल टनल, और ये बिहार का पहला एक्सप्रेस है जो अभी अटल टनल क्रॉस करेगा। ओह माय गुडनेस। और ये भी, और ये झारखंड का सेकंड एक्सप्रेस होगा जो अटल टनल क्रॉस करेगा। फाइनली वी आर एंटरिंग इन द टनल। टनल 40 की कॉन्स्टेंट स्पीड रखनी है हमें। वाओ मैन क्या सही लग रहा है। चल रहा हूँ मैं। अगर आप बीच में रुक ले सकते हैं, स्टॉप भी ले सकते हैं और 40 से ज्यादा स्पीड भी चला सकते हैं। फाइनली खत्म हो गया टनल, फाइनली खत्म हो गया। वेलकम यू टू द चंद्रा ब्रिज। यो ब्रो जैकेट पहन लिया अभी, बहुत ठंड लग रही थी भाई साहब, बहुत ज़्यादा ठंड है।
कॉन्फिडेंस आ रहा है, जैकेट पहन लिया हूँ मैं, अंदर से अब ठंडा नहीं लग रहा है, अब मैं पूरा फूल चुका हूँ अंदर से। ये पहली वाटर क्रॉसिंग है अपनी, देखते हैं क्या होता है। मजा आया एक्सप्रेस ने तो पूरा काम किया आज, मतलब अभी आगे भी करेगी। गाइस फाइनली बिहार का पहला एक्सप्रेस जिसने अटल टनल क्रॉस किया है, अटल टनल। हम जा रहे हैं लद्दाख की तरफ, तो ये बिहार का पहला एक्सप्रेस होगा जो लद्दाख टच करेगा। ओ माय गॉड, गूज़बम्स आ रहे हैं यार, बस ये बोलते ही मुझे इतने गूज़बम्स आ रहे हैं। ओ भाई नज़ारे। अभी एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया, ये दूसरा वाटर क्रॉसिंग अभी तक का छोटा सा है, झरना बस बह रहा है, मस्त बहुत प्यार से क्रॉस कर लिया हमने, और एक्सप्रेस है तो क्या ही बात है। ओ भाई बाहर नज़ारे, पता नहीं आपको ऑस्मो में दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, वहाँ पर मुझे स्नो माउंटेन्स दिख रहे हैं, स्नो माउंटेन। ओ भाई साहब इतना फास्ट स्नो माउंटेन्स के, ओ भाई। यहाँ पे खेती भी होती बहुत सी अच्छी, यहाँ पे पालक साग उगा रहे हैं, वो क्या लाइन अप मस्त लग रहा है। ये छोटा सा है ना, क्या सही नज़ारा है भाई साहब, वाओ। मैं नीचे ना गिर जाऊँ सब देखे चक्कर में, फोकस करते रोड पे। अभी इन द सर्विस ऑफ नेशन BRO, मेरा BRO है। अरे क्या कर रहा है, हिमालयन पूरा हिमालयन ग्रुप जा रहा है, हिमालयन ग्रुप जा रहा है। ये हम लोग पहुंच चुके हैं तांडी के पेट्रोल पंप पे, या फिर पेट्रोल पंप है ना यहाँ से लेह तक के लिए, तो अभी पेट्रोल भराएंगे हम लोग, इसलिए यहाँ पे बहुत भीड़ रहता है। बहुत कैंपिंग भी करते हैं पीछे, आगे भी कर सकते हैं, और यहाँ पे शायद एक होम स्टे या कुछ स्टे बन रहा है, इन फ्यूचर कोई आता है तो यहाँ रुक भी सकता है। और आंटी आखिरी पेट्रोल पंप है ना ये, लास्ट पेट्रोल पंप है ना अभी, हाँ। देखिए उस मासूम से चेहरे को, गौर से देखिए उस मासूम से चेहरे को, ब्लॉगर लौंडा है अपना, ब्लॉगर लौंडा। तुमको तुम क्यों देख रहा है अभी, ये देखो। ब्लॉगर सर, बिग फैन। हम एक दूसरे के ब्लॉग में आ रहे हैं, इंतजार करने में कैसा लग रहा है, कुछ कहा नहीं जा सकता, मूड खराब है। जॉन्टी का गोप्रो का माउंट टूट गया गलती से, हेलमेट गिर गया नीचे, और फिर उतने पानी चला कर उसने प्लास्टिक लगा रखा है वहाँ पर, अभी तो मैंने ही पहन रखा है ऐसा कुछ जुगाड़ मैंने बनाया है इनमें से बचने के लिए। अरे गया पग, वे हाथ लग गया इसे, क्रूज कंट्रोल पे छोटू टूट गया टायर के पास, हाँ टूट गया कैसे, वे हाथ लग गया पूरा ऐसे जोर से,
कुछ ना कुछ आज हो रहा है। दो माउंट टूटा है, दो माउंट टूटा है, उल्टा रहेगा, उल्टा 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 करके लगा लड़के का, चिपक जाएगा, कुछ चिपक जाएगा, चिपक जाएगा बैग में लगता। आगे गार्ड में वो खड़ गया और वो टूट गया। तीसरा हमारे एक भैया का हेलमेट गिर गया नीचे, पूरा नदी में, नदी में बहता हुआ नदी में भाई। उसमें हुआ ऐसा था, हुआ ऐसा था कि मंडी से मनाली में इतनी धूल थी कि हेलमेट को धोना था। हेलमेट ने सोचा अगर ये नहीं नहाए तो वो खुद नहा ले, हेलमेट खुद चल गया नदी में। और अब जाकर ऐसा हुआ कि भैया ने एक्सपर्स में सोचा कि क्रूज कंट्रोल लगाते हैं, टाइगर का आनंद ले लें, प्राइम टाइगर, जीएसए जीएसए बीएमडब्ल्यू बीएमडब्ल्यू। बेचारे इनका क्रूज कंट्रोल चल गया क्रूज करने। आज स्टॉप लेने का प्लान है और जिसका यहाँ से 30 किलोमीटर है। वहाँ जाना, कभी वीडियो में देखा करता था ये सब रास्ते, आज अपनी आंखों से लाइव देख रहा हूँ, चल रहा हूँ उनसे, गाड़ी चला रहा हूँ उनसे, ऑफ रोडिंग। ऐसे रास्ता पटना में पहुँच देखे हमने, ये खूबसूरत वादियाँ देख रहे हैं, देख रहे हैं खूबसूरत वादियाँ। मेरा तब से ब्लॉगिंग कर करके गला बैठ गया है और बड़ा कुट 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 हो रहा है गले में ठंड की वजह से। ये झरना छोटा सा वाटरफॉल, वो पहाड़ देखो भाई साहब, हर टर्न के बाद एक नया सीन, हर टर्न के बाद एक नया पहाड़, हर टर्न के बाद एक नया ही माहौल रहता है। ठंड पड़ रही है धीरे धीरे भाई साहब, पानी गिर रहा है पानी। चले बहुत पैचेस हैं बट रोड तो चुम्मा है, चुम्मा मुआ चुम्मा है रोड, एक नंबर रोड है। ओ भाई साहब यू टर्न ले रहे हैं, वहाँ सब नीचे आ गया था, जब हम नीचे उतर रहे हैं जिसपा की तरफ, मिलते जिसपा में। मैंने अभी आपको बोला था जिसपा में मिलते हैं, बट ये वादियाँ वादियाँ बोला यार, ये पहाड़ देखो यार, पहाड़ देखो, बोला नहीं जा रहा है इतना मस्त, क्या चुम्मा सीन है भाई, क्या चुम्मा सीन है। आज गर्म पानी मुझे पीना पड़ेगा, गला बहुत वो हो रहा है, पेन कर रहा है। इतना एक छोटा सा प्यारा सा गांव है जिसपा, यहाँ बहुत प्यारे प्यारे होम स्टेज बने हुए हैं, घर बने हुए हैं, आप ऐसे टेंट भी ले सकते हैं यहाँ पे। तो अभी हम लोग आगे जाते हैं, फिर पता करते हैं कि टेंट का क्या सीन है। और वो भाई साहब पहाड़ देख रहे हो, पहाड़ ये पहाड़ वो पहाड़ इधर पहाड़, बस पहाड़ ही पहाड़ है। और ये लोग पहाड़ में रहते हैं यहाँ पे, एकदम सब खतरनाक व्यू लग रहा है ना, एकदम एक नंबर भाई। फाइनली हम लोग जिस पर पहुँच चुके हैं और यहाँ थोड़ी ठंडी है और हम लोग इस टेंट में रुकने वाले जो पीछे है अपने। रूम टूर देता हूँ आपको कैसा लग रहा है ये। और हमारी सारी बाइकें इधर लाइनअप पे लगी हुई है। ये दो भाई बंधु लोग मिले थे, ये ब्लॉग पे जाएगा ये, वो तो इंस्टाग्राम पे था, नोएडा से दोनों और हिमालयन से, हिमालयन पे हैं। बाहर देखो और वो लाइट्स देखो, लाइट्स सो मैन, पहाड़ी पहाड़ चारों तरफ सिर्फ पहाड़ है। और ये हमारे टेंट्स हैं बाइक्स, तो रूम टूर देता हूँ मैं, एक दो तीन, एकदम नेचुरल वॉशरूम है, खतरनाक।